तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आप फ्लाइट टिकट का बुकिंग करना चाहते हैं और चीपेस्ट रेट में, सबसे कम रेट में, तो जो जो साइट है वो मैं आपको बताऊंगा और ये वीडियो में पूरा लाइवली आपको टिकट बुक करके दिखाऊंगा, तो आप भी बुक कर सकते हैं, बिल्कुल ईजी है। क्या क्या प्रोसेस होता है पूरा डिटेल्स में इस वीडियो में बताऊंगा, तो आप वीडियो को पूरा बन लेंगे। दोस्तों, मैं हूं अभिनीता, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए आए हो, पहली बार आए, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का घंटी जरूर प्रेस करेंगे, ताकि कोई भी मेरा वीडियो नोटिफिकेशन आएगा सबसे पहले टाइम टू टाइम आपको मिलते रहेगा। कोई चीज़ का जानकारी चाहिए, एक्स्ट्रा जानकारी चाहिए आपको, तो मुझसे बात कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और यहाँ पे भी दिया हुआ था, और यहाँ से जाकर आप मुझे फॉलो कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मोबाइल के स्क्रीन पर ले चलते हैं। चलिए दोस्तों, सबसे टिकट कम दाम का बुक करने के लिए आपको सभी जगह लगभग सेम प्राइस पड़ेगा, तो बेस्ट होगा कि आप पेटीएम से करें, वो इजी टू फ्रेंडली यूज़र है। ठीक है, अब आपको फ्लाइट पे क्लिक करना है। फ्लाई विंटर जहाँ लिखा हुआ है, विंटर है इसलिए विंटर लिखा हुआ है। और यहाँ से मान लीजिए मुझे पटना से दिल्ली जाना है, तो PAT या पटना लिखेंगे तब भी आ जाएगा, DEL या दिल्ली पूरा लिखेंगे तब भी आ जाएगा। मुझे 20 को जाना है तो 20 को ही सिलेक्ट किया हूँ और यहाँ से मैं सर्च करता हूँ। ठीक है, सर्च करने के बाद दोस्तों ये क्या होता है, मान लीजिए आपको 10 दिन 15 दिन आगे जाना है, तो आगे बुक करेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट होता है। ये एक बेनिफिट, बहुत ही अच्छा बेनिफिट है। ठीक है, और मान लीजिए यहाँ पे मान लीजिए 16:05 में, मतलब 4:05 पे पटना से हमको मिलेगा, जो यहाँ पे छोड़ देगा आपको 6 बजे तक। और ये टाइमिंग सब दिया हुआ है, ये टाइमिंग है, कौन कौन से टाइमिंग में है और कितना प्राइस है, वो सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो प्रोमो कोड है ये आपको काम करेगा, तो ये हम यहाँ से बुक करते हैं। 4:05 में जो मेरा फ्लाइट है वो वाला बुक करते हैं। बुक करने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑफ़र भी दिखा देगा, जो कि है ये ऑफ़र जो है, यहाँ से आप क्लिक करके अप्लाई कर लेंगे। बुकिंग हो गया, ऑलरेडी ले लिया, 126 आपको रुपीज़ मिल जाएगा यहाँ से। ठीक है, वो भी 24 आवर्स के अंदर। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग एक बार क्लिक करके देखेंगे तो ये ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि ज़्यादा होने का कारण है ये ऑटो सिलेक्टेड होता है, 0 कैंसिलेशन। ठीक है, तो आपको कैंसिलेशन वाला नहीं चाहिए, तो आई डोंट वांट टू फ्री कैंसिलेशन, मतलब 750 रुपये आपको नहीं देनी है एक्स्ट्रा। तो आप यहाँ से क्लिक करेंगे तो देखेंगे वो 4400 हो गया। ठीक है, यहाँ पे ने आपका नंबर वगैरह सब दिया हुआ है, और यहाँ पे फर्स्ट नेम मिडिल नेम आपको देना है। तो मान लीजिए मेरा फर्स्ट नेम ये है विनीत, और मिडिल नेम लिख दिए। अब आपको क्या करनी है, यहाँ आके आपको लास्ट नेम देनी है। ठीक है, तो यहाँ से मैं लास्ट नेम दे देता हूँ अपना। उसके बाद से एडिशनल एक्स्ट्रा अगर लगेज है, मील है, आपको सीट कुछ, देखिए दोस्तों यहाँ से अगर आप सीट सिलेक्ट करेंगे तो उसके लिए एक्स्ट्रा चार्जेस लगते हैं। अब ऊपर देखिए यहाँ 99 भी है, 250 है, 350 है, 200 है, 600 है और 49 है। तो अगर आपको चाहिए तो ले सकते हैं, नहीं चाहिए तो आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। होने के बाद आपको यहाँ से ये ऑप्शन को आपको क्लिक करनी होगी, इंटर GST डिटेल्स टू क्लेम टैक्स बेनिफिट। आप अगर चाहिए तो कीजिए, तो हमको ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से हम एक बार ओके करेंगे, फिर आपको ये कन्फर्मेशन एक दिखाएगा कि ये जो है 16:05 में आप बुक कर रहे हैं, 20 नवंबर को 1 घंटा 55 मिनट लगेगा, नॉन स्टॉप है, डायरेक्ट वहीं जाएगा, दिल्ली जाएगा, दिल्ली आपको 6 बजे तक छोड़ देगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे आपको आके टोटल दिखा रहा है 4477 रुपये। ठीक है, ये जो GST वगैरह है वो सब यहाँ पे इंक्लूडेड होता है। और यहाँ पे ये भी दिखा रहा है कि नीचे में देखेंगे कि लिखा हुआ है कैशबैक 126, योर इफ़ेक्टिव प्राइस इज़ 4351। ठीक है, मतलब 4351 रुपये आपको लगेगा। तो यहाँ पे आप बुक करेंगे, बुक पे क्लिक करेंगे, बुक पे क्लिक करने के बाद ये थोड़ा सा घूमेगा, घूमने के बाद आपको ये रिडायरेक्ट करेगा। ठीक है, अब ये डायरेक्ट आपका बैंक का जो होता है क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, वहाँ पे चला गया। तो आपको यहाँ पे क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना है तो क्रेडिट कार्ड यहाँ पे दे देंगे, और फर्स्ट टाइम अगर कर रहे हैं तो ये सारे डिटेल्स आपको देनी होगी। ठीक है, तो ये दे दिए, उसके बाद से यहाँ से आपको क्लिक करनी है पेमेंट के पे। ठीक है, तो एक OTP आएगा, OTP भी आपको देनी है।
ठीक है, OTP लेके उसके बाद से यहाँ से आपको क्लिक करनी है। तो ये जो टिकट है आपका कंफर्मेशन होगा, टिकट आपका कंफर्मेशन हो गया। और ये होने के बाद अब देखिए आपको एक यहाँ पे देख लिया वेटिंग फॉर कंफर्मेशन, और आपको एक ईमेल मिलेगा, ठीक है। वो ईमेल जो मिलेगा वो टिकट आपको प्रिंट करने का ज़रूरत नहीं है, वो मिलने के बाद आपको वहाँ पे जानी है। जाने के बाद वहाँ पे आपको दिखानी है, गेट इंट्री में जब आप दिखाएंगे तो वहाँ से आपको मिल जाएगा। और ये देख लीजिए यहाँ पे ऑप्शन दे दिया प्रिंट टिकट, ठीक है ना। प्रिंट टिकट पे आपको एक बार क्लिक करनी है, तो प्रिंट टिकट पे क्लिक करेंगे ये आपको PDF मिल गया, ठीक है। ये PDF है, यही PDF को आपको सेव करनी है और सेव करके वहाँ पे आपको दिखा देनी है, ठीक है। तो ये सारा का सारा डिटेल्स आपका क्लियर हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये देख लीजिए इम्पोर्टेंट कुछ दिया हुआ है कि आप प्लीज़ कैरी योर गवर्नमेंट ID प्रूफ है ऑल पैसेंजर, सो सिक्योरिटी चेक इन नेम ऑफ गवर्नमेंट ID प्रूफ शुड बी सेम एज योर टिकट, ठीक है। जो आपका टिकट है, टिकट पे जो आपका नाम लिखा हुआ है सेम वहाँ पे भी होना चाहिए जो आपका गवर्नमेंट ID है, ठीक है। अगर सेम नहीं होगा तो वो लोग दिक्कत करेंगे, प्रॉब्लम करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया, कंफर्मेशन हो गया, यही आपका है जो PDF है। तो PDF को इसको यहाँ पे सेव कर लीजिए, वीडियो को सेव कर लीजिए और ये जाइएगा वहाँ पे दिखा दीजिएगा। और एक चीज़ और आप ध्यान देंगे दोस्तों, जैसे आपका ये टिकट है मान लीजिए 16:05 पे, तो आपको जानी होगी पूरा का पूरा 2 घंटा पहले आपको चेकिंग कर लेनी होगी, ठीक है। अगर उस नहीं करते हैं तो आपका दिक्कत होगा दोस्तों, ठीक है। तो ये आप पहले कर लेंगे दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा आपको। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में भी शेयर करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।